हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द आर्किटेक्चरल साइट ऑफ एंशियंट इंडिया एंड टाउन प्लानिंग लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड धोलावीरा। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मौर्यन आर्ट एंड स्टोन स्कल्पचर, पिलर इंस्क्रिप्शन एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। What are the Mauryan art, especially in this part that is called Mauryan art, we will study about the architectural style and architecture of stone, either pillar inscription, stone inscription of Ashoka. All these structure and inscription are inscription were made by Ashoka. So first architectural art hai in Mauryan art, stupa. स्तूपा क्या होते हैं? ठीक है, एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन होता है अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा वेर केप्ट इन अ बॉक्स इज नॉन एज स्तूपा। एक्चुअली जब लॉर्ड बुद्धा डेथ किए थे तो लॉर्ड बुद्धा के डेथ के बाद उनके जो रिमेन्स बचे थे, उनको उनकी बॉडी को जब क्रीमेट कर दिया गया था, जलाया गया था, उसके बाद जो उनके बचे थे, जो रिमेन्स बचे थे, राख वगैरह एसेस, ठीक है ना, उसे एक बॉक्स में पैक करके डिफरेंट वेरियस प्लेसेस पे उसे रखा गया था, बरीड किया गया। एंड ऑन दैट बॉक्सेस, ओके, ऑन द बॉक्सेस ऑफ रिमेन्स ऑफ बुद्धाज बॉडी स्तूपा बनाए गए, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको स्तूपा कहा जाता है। ये हाफ हेमिस्फेरिकल शेप होता है ओवल स्ट्रक्चर का, और इसके कई सारे पार्ट होते हैं स्तूपा में, ठीक है, जिसको मेथी, हर्निका, हर्मिका, तोरण एंड प्रदक्षिणापात कहा जाता है। सो जो तोरण है, तोरण क्या होता है? जो गेट होता है स्तूपा में एंट्री करने के लिए, जो सबसे पहला गेट होता है और गेट के ऊपर एक सिंगल स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया होता है, उसको तोरण कहा जाता है। तो दिस पार्ट इज तोरण, ठीक है ना, दिस पार्ट, दिस इज तोरण, ओके। तोरण क्या होता है? तोरण मीन्स अ गेट, गेटवे दैट इज बिल्ट ऑन टू हाई पिलर विथ आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट। द डिवोटी यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस, ठीक है, तो स्तूपा में एंट्रेंस के लिए यूज किया जाता है तोरण को, ओके, ठीक है। उसके बाद पार्ट होता है जैसे मेथी है, मेथी क्या होता है? मेथी इलेवेटेड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड स्तूपा इज नॉन एज मेथी विच इज टू बी यूज फॉर प्रदक्षिणा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, एक रेलिंग दिख रही है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यह क्या है? एक्चुअली इस तरह से पार्ट होता है, यह एक सर्कुलर स्तूपा के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे स्तूपा हो गया मेन स्ट्रक्चर स्तूपा का, यह जो पाथ हो गया, ठीक है, ये पाथ होता है, ठीक है, और इसी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्पेशली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से वॉल क्रिएट करते हैं, वॉल क्रिएट करके उसको हम लोग सराउंडिंग कर देते हैं किसी एरिया को चारों तरफ से, तो ये जो वॉल है उसको मेथी कहा जाता है। इलेवेटेड सर्कुलर जो पाथ होता है अराउंड द स्तूपा यूज्ड एज प्रदक्षिणा इज नॉन एज मेथी। एंड हर्मिका, हर्मिका क्या होता है? जब स्तूपा के सबसे ऊपर, जैसे ये जो स्तूपा का स्ट्रक्चर हो गया ओवल शेप, तो इसके ऊपर एक राउंड जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज हर्मिका, दिस इज नॉन एज हर्मिका, ओके। रेलिंग अराउंड टॉप ऑफ ओवल शेप्ड स्तूपा हर्मिका कहलाता है। एंड प्रदक्षिणा पाथ, जो मेथी होता है, जो पाथ होता है, इस पे लोग स्तूपा के चारों तरफ मूव करते हैं, इसको प्रदक्षिणा पाथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके। नेक्स्ट, तो स्तूपा हम लोग समझ गए। देर आर फाइव स्तूपाज ऑफ अशोकास, ठीक है, फाइव फेमस स्तूपा हैं, अशोका ने बनवाया था इसको अशोका टाइम के। पहला स्तूपा ऑफ सारनाथ जो कि वाराणसी में है,
ठीक है, स्तूपा ऑफ सारनाथ, दूसरा स्तूपा ऑफ बैरूत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ बिहार, स्तूपा ऑफ देवानगिरी देवानी मोरी इन गुजरात एंड स्तूपा ऑफ सांची, वेरी फेमस अभी भी है, ठीक है, स्तूपा ऑफ सांची जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपको, ये स्तूपा कहाँ पे है, स्तूपा ऑफ सारनाथ ये वाराणसी में है, वाराणसी, ओके, स्तूपा ऑफ सांची आपको एमपी में आता है, ठीक है। सो ये फाइव फेमस स्तूपा थे अशोका टाइम के, अशोका ने इनको बनाया था। बैरूत जो है अल्बानिया में है, नंदनगढ़ बिहार में है, देवानी मोरी तो गुजरात में ही दिया ही है, ठीक है। स्तूपा ऑफ सांची जो बहुत ही फेमस है, आज भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये मध्य मौर्यन टाइम में, अशोका के टाइम में बनाया गया था स्तूपा ऑफ सांची, इस सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। जो ओरिजिनल शेप है स्तूपा का, सांची स्तूपा जो है जिसका ओरिजिनल जो शेप है वह ब्रिक्स का बना हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में जो प्रेजेंट स्तूपा है, आप सांची में जाओगे एमपी में तो स्तूपा अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो स्तूपा है सांची स्तूपा अभी जो अवेलेबल है यह लार्जर साइज है, इसको जो है बनाया गया है, मतलब एक तरह से इसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल स्तूपा था वो हाफ साइज का है, जो प्रेजेंट है उसका हाफ साइज का ओरिजिनल था, अभी जो है उसके ऊपर बनाया गया है ताकि वो बचा रह सके, ठीक है, दैट्स वे ये स्तूपा ऑफ सांची। उसके बाद आता है पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक पिलर, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, पिलर इंस्क्रिप्शन में ये एक पिलर होते हैं, इनको बनाया जाता है, पिलर के रूप में बनाया जाता है, इरेक्ट किया जाता है रॉक्स, और ये पिलर जो है रॉक्स या मेटल, किसी भी कुछ भी हो सकता है, रॉक्स का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, और इनके ऊपर रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है ना, जो रिलीजियस ऑर्डर है उनको लिखा गया होता है, कार्व किया गया होता है। और जो स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन होते हैं वो जो है सिंगल रॉक का बना होता है, इनको पॉलिश किया जाता है, काफ़ी फाइन पॉलिशिंग होती है जिससे कि ये शाइनिंग बना रहे और जो उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन कार्व किया जाता है वो जो है इरेज ना हो। अब हम लोग जानते हैं वेरी फेमस जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, महरौली जो पिलर के नाम से पता है, या विक्ट्री पिलर के नाम से जाना जाता है, वेरी फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली जो है जाना जाता है, जो कि आज भी ओरिजिनल शेप में है, किसी तरह का कोई उस पर डैमेज नहीं हुआ है, जबकि वो मॉडर्न टाइम में खास करके जो चंद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, उसको गुप्ता टाइम में बना था, ठीक है। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन वे आर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक, सिंगल रॉक के बने हैं, बनते हैं ये सभी, ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व आउट बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर बेस्ट स्पेसिमेन, जो अशोका ने जो रिलीजियस ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को परमानेंटली मेंटेन करने के लिए किसी रीजन में स्टोन इंस्क्रिप्शन किया गया, ये सभी बेस्ट स्पेसिमेन है स्टोन इनग्रेविंग के, स्टोन पे जो लिखा गया होता था। और एक्चुअली अशोका ने ही ये सभी चीज़ शुरुआत की थी, अपने रिलीजियस ऑर्डर लॉ वगैरह को स्टोन और आयरन पिलर पे इंस्क्रिप्ट करने का, कर्व करने का, उसको प्रिजर्व करने का, लिखने का। जैसे यहाँ पे देखिए एक पिलर है जो कि जिस पे लिखा गया है ये सभी, तो ये इस उसके ऊपर कार्व किए जाते थे पिलर के ऊपर। सच पिलर, जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो आपको अम्बाला, मेरठ, अलाहाबाद, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्षा बोधगया बिहार में जो है अवेलेबल है, मिले हैं यहाँ से अशोका के। बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी हो गए, बहुत सारे पिलर्स को प्रिजर्व करके रखा भी गया है, ओके। तो ये था पिलर इंस्क्रिप्शन। इसके बाद आता है पिलर एट सारनाथ, जो वेरी फेमस है। फेमस इसलिए है पिलर एट सारनाथ क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जो कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बन गया है और आज भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे नेशनल एम्बलम, जो फोर लायन नेशनल एम्बलम है वो पिलर ऑफ सारनाथ से लिया गया है। हमारे जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, तिरंगा के बीच में आपको जो व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे सारनाथ पिलर से ही लिया गया है, ओके। सो पिलर एट सारनाथ
इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या होता है, चीजल एंड हैमर से हम अपने फीलिंग्स, अपने थिंकिंग को जो कर्व करते हैं स्टोन पे, उसे स्कल्पचर कहा जाता है। सो पिलर एज सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। देर आर फोर लायंस, ओके, द पिलर हैज फोर लायंस फेसिंग इन फोर डायरेक्शन। जो फोर लाइन है वो फोर डायरेक्शन में, हमें ऑलरेडी थ्री लाइन ही दिखते हैं बट वन लाइन जो होता है वो हाइड होता है बैक साइड पे। सो ये फोर लाइन है, फोर डायरेक्शन में फेस करते हैं। सारनाथ जो है लॉर्ड बुद्धा का प्रीचिंग प्लेस है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग इनलाइटमेंट इन बोध गया, ठीक है, जब गौतम बुद्ध को सारनाथ में जो इनलाइटमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसके बाद सबसे पहला जो सरमन रिलीजियस जो प्रीच है गौतम बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्धा ने दिया था, वो सारनाथ में दिया था। ओके, दैट्स वाई इसको, इस प्लेस को जो है धर्म चक्र परिवर्तन का प्लेस कहा जाता है, और दैट्स वाई वहाँ पे धर्म चक्र कार्व किया गया जो फोर लायन इमेज है उसके नीचे। ओके, उसके नीचे जो है क्या किया गया, कर्व किया गया फोर इमेज। यह जो आपको दिख रहा है चक्रा, इसको धर्म चक्र कहा जाता है। यह क्या है, धर्म चक्र, ये जो चक्र है धर्म चक्र है। सो इसे धर्म चक्र कहा जाता है। एंड दिस चक्र इंडिकेट्स, ये क्या सूचित करता है, यह इंडिकेट करता है ट्रम्प ऑफ रिलीजन। ओके, यानी धर्म की विजय, ठीक है ना, विक्ट्री ऑफ रिलीजन को शो करता है। एंड कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को शो करता है दिस चक्र, धर्म चक्र। ओके, सो इट हैज स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, यानी ये जो यहाँ पे ये जो है धर्म जो पिलर ऑफ सारनाथ है, इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये बुलक है, ठीक है ना, एलिफेंट, इस साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुलक, एलिफेंट ठीक है, एंड हॉर्सेज वगैरह यहाँ पे आपको दिखेंगे। ओके, जो चक्र है वो हमारे नेशनल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पिलर ऑफ सारनाथ जो है एक हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बन गया है, और डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसे नेशनल फ्लैग में, यह जो चक्र है यह नेशनल फ्लैग है, और इसमें टोटल 24 स्पोक्स होते हैं। ये जो स्पोक्स है 24 है, और इसको जो है यह क्या शो करता है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को शो करता है। ओके, और जो फोर लाइन है ये हमारे नेशनल एम्ब्लेम है, जो हमारा राष्ट्रीय एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है, यह जो है शो क्या करता है, यह फोर लाइन्स को शो करता है, फोर लाइन्स शो करता है नेशनल एम्ब्लेम। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या है। स्टोन पे जो रिलीजियस ऑर्डर या किसी तरह का इमेज फीलिंग स्टोन पे कर्व किया जाता है उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें सिंगल रॉक होता है और उसी पे अपनी फीलिंग या रिलीजियस ऑर्डर कर्व किए जाते हैं, जैसे कि आपको दो इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली ये कन्नडा स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, यह जो पार्ट है यह कन्नडा स्टोन इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। ओके, कन्नडा स्टोन इंस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे देखो कर्व किया गया, बहुत सारे फिगर, एलिफेंट, हॉर्स, ये एक वार का जो है फिगर कर्व किया गया है, और इसके चारों तरफ ये सभी जो है आप देख रहे हो लिखा गया है, राइटिंग ये सभी लिखे गए हैं। तो ये डिस्क्राइब करते हैं, ये वार का इमेज बनाया गया है और इसके बारे में लिखा गया है, किस कौन सा वार है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, ये सभी लिखा गया होगा। सो स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व बाई रिलीजियस ऑर्डर, एंड स्पेसिफिकली अशोका जो रिलीजियस ऑर्डर देता था उसी को कर्व किया जाता था। वुडन आर्ट स्टोन स्कल्प्टिंग शो एन एक्सीलेंट स्पेसिफिक, ठीक है,
एंड ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये पेशावर, ओके, पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली, काशी, बहुत जगहों से ये सभी स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। ठीक है, गुजरात में भी स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, जैसे पालीताना जैन टेंपल है, वेरी फेमस, यहाँ का एक पिलग्रिमेज प्लेस है जैन के लिए। ठीक है, शत्रुंजय माउंटेन पे, तो पालीताना जैन टेंपल, जैन टेंपल ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद आर एग्जांपल ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन इन गुजरात। ओके, सो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन था, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया में भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहे, स्कल्पचर रहे हैं, एस्पेशली जो साउथ इंडिया में बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपाज बनाए गए थे द्रविड़ा स्टाइल में। और जो ये स्पेशली अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक पार्टिकुलर टाइम की, तो जो सातवाहन किंग थे उन्होंने द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया इन द रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, जो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर है उस रीजन में। और ये कृष्णा और गोदावरी रीजन कौन सा है, आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी रीजन है प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करें तो। सो सातवाहन किंग जो है इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा बनाए इन द रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी इन द्रविड़ा स्टाइल। जो सातवाहन किंग है उसका फाउंडर सीमुक, सातवाहन किंग का फाउंडर था सीमुक, ठीक है, सीमुक इसका फाउंडर था। और एक वेरी फेमस इसका जो रूलर था वो गौतमी पुत्र सत्कर्णी, बहुत ही फेमस रूलर था सातवाहन किंग का। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, जो द्रविड़ स्टाइल होते थे, किस तरह के स्ट्रक्चर, सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड होते थे। यानी द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चरल स्टाइल था सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड, ठीक है, कुछ इस तरह के से, मतलब जो है ओवल शेप्ड होता था ऐसे, ठीक है, बेल शेप, बेल इसी तरह का होता ना, ठीक है, तो ऐसे बनाए जाते थे, ये बेल शेप्ड का होता था। और सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनते थे, ये लोग बनाते थे, ठीक है, एंड बेल शेप्ड होता था इनका स्तूपा इस तरह से। और वहीं ऊपर में तोरण और इसके बाद जो ये अदर जो थिंग्स होते थे इनके, ऐसे तरह के, इस तरह के जो स्तूपा है वो आपको नागार्जुन कुंडा और अमरावती, नागार्जुन कुंडा आंध्र प्रदेश में और अमरावती जो है अभी तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ओके, सो इस रीजन में मिले हैं ऐसे स्तूपा आर बेस्ट स्पेसमैन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट। सातवाहन किंग के बाद सबसे ज़्यादा जो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज़ किया तो वह है चोला किंग। चोला किंग जो है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को यूज किए, बहुत ज़्यादा यूज किया और उसको बढ़ाया आगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ा, स्तूपा के बारे में पढ़ा, फाइव टाइप्स ऑफ जो फाइव स्तूपा थे उसमें, और सांची स्तूपा, स्पेसिफिकली उसमें सांची स्तूपा के बारे में हमने पढ़ा, फिर पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे।